जहांगीर खान तरीन के वतन वापसी के बाद मुल्क भर में सियासी राबते, पंजाब भर में 30 से ज्यादा साबिक अरकान असम्बली की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत मुतवक्के, साबिक अरकान असम्बली और रहनुमाओं के बड़े ग्रुप के साथ मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई है। जहांगीर तरीन अलीम खान आइंदा चंद रोज में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में अहम मुलाकातें करेंगे। नुमाइंदा खसूसी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, इन मुलाकातों के बारे में आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल इस इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की क्यादत सियासी महाज पर मुतहरिक हो गई है और जहांगीर खान तरीन जो है वो लंदन से वतन वापसी के बाद इस वक्त मुल्क भर में सियासी राबते कर रहे हैं। अब पंजाब एक बड़ा ब्रेक थ्रू बताया जा रहा है कि नॉर्थ पंजाब, सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब से तकरीबन 30 से ज्यादा साबिक अरकान असम्बली और साबिक मिनिस्टर्स जो है वो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। इसी हफ्ते में उनके साथ मामला जो है वो हतमी शक्ल तय पा जाएंगे और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। जहांगीर खान तरीन आइंदा चंद रोज में लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में अहम मुलाकातें भी करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा की भी बड़ी सियासी शख्सियात के साथ दोबारा से राबते किए जाएंगे। जबकि दूसरी जानब दवा हफ्ते ही इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की सियासी मंजरनामे पर जो है रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो इलेक्शन कमीशन में कराने का अमल उसको भी मुकम्मल किया जाएगा, जिसके लिए तमाम कानूनी जब्ते और दस्तावेजात मुकम्मल कर ली गई हैं और जहांगीर खान तरीन और अब्दुल अलीम खान की मंजूरी के बाद इसी हफ्ते इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी जाएगी। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ने बड़े सतह पर जो है वो मेंबर साजी मुहिम शुरू करने का भी फैसला किया है और बड़े शहरों में बड़े कैंप लगाए जाएंगे जिनको मरकजी की आदत खुद मॉनिटर करेगी। ठीक है, लेकिन सारी आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।